नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सब की श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्व ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे क्या आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं वो और कितना टाइम उनको और लगेगा। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग के साथ हम देखेंगे ये क्या फीलिंग अभी की है, ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है आप तक पहुँचने में, ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब कुछ हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी वो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही है एज गाइडेंस आप उसे ज़रूर रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशनशिप में हैं अगर आप, तो आप देख सकते हैं अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, क्रश के लिए, अपने लव इंटरेस्ट के लिए, अपने एक्स पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं अगर आप सेपरेशन में हैं तो। ओके, नो कॉन्टैक्ट में है तो, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो। ओके ओके, तो मैं यू नो, मुझे कुछ विजन्स आए आज भी, कुछ मुझे चैनल मैसेजेस थे आज के लिए भी। मुझे ये दिखा कि एक हाथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे हम प्रेयर करते हैं ना वैसे, एक प्रेयर दिखा मुझे और एक मज़ार दिखा मुझे। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो आप में से बहुत लोगों ने मन्नत मांगी है। साई बाबा भी मुझे दिखे थे, तो बहुत लोग साई बाबा से मन्नत मांगे हैं आप लोग, या फिर बहुत लोग यू नो मज़ार में जाते होंगे और वहाँ आपने कुछ मन्नतें मांग रखी हैं। आपके पार्टनर के रीयूनियन के बाद शायद आप वहाँ जाओगे या फिर कुछ चढ़ाओगे या फिर कुछ ऐसा ज़रूर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक बार जाके आइए, जो भी मन्नत आपने किया है उसको करके आइए पूरा। भले ही आप अपने पार्टनर से मिले हो, आपके पार्टनर वापस आए चाहे नहीं आए, हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के साथ कम से कम हमारा कंडीशन नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमें ये आप दोगे तो हम जाएंगे या फिर तब हम पूजा करेंगे आपकी। यहाँ पे कम से कम कंडीशन आपको नहीं रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ आप लोगों को। ओके, तो अगर आपने कहीं मन्नत की है कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, या फिर कोई गुरुद्वारा में, या फिर चर्च में, या फिर यू नो मज़ार में, कहीं भी आपने अगर मन्नतें मांग रखी हैं कि आपके पर्सन के आने के बाद आपको चढ़ाओगे या फिर, तो करके आओ उसको। ठीक है, आप ये भी ऑब्स्टिकल आ जाता है बीच में, कभी कभी हमारा रियूनियन नहीं होता है क्योंकि आप ऐसे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच के जो कर्मा है, जो चीज़ें हैं सॉल्व होने वाली हैं वो सॉल्व नहीं हुई है और आप रिजल्ट के लिए आप यू नो मतलब बेचैन हो रहे हो, तो ये भी कभी कभी ऑब्स्टिकल बनता है। और भगवान के साथ आपने कंडीशन फिक्स कर दिया, उनके साथ कम से कम अनकंडीशनल होना चाहिए आपका कनेक्शन, है ना, उनके साथ कम से कम कंडीशन ना रखें। तो जो भी लोग मन्नतें मांग रखे हैं वो प्लीज़ अपने जाके मन्नतें पूरे करके आएँ ताकि ये ऑब्स्टिकल जो है वो क्लियर हो पाए। ओके ओके, कल किसी का मैसेज आया था, कोई बंगाली थी, आई डोंट नो क्या नाम है, उनका नाम मुझे याद नहीं, आई एम सो सॉरी, जिसे मैंने बताया उनके पार्टनर का 9 मंथ के बाद उनको कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे थैंक यू सो मच। ओके सो यस, आप एक तो ये हो गया जिनकी मन्नतें हैं वो मन्नतें पूरी करके आएँ, दूसरी ये ग्रैटिट्यूड में रहें। हाथ जोड़ने का मतलब ये होता है कि ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। हमेशा कंप्लेन ना करें कि क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं रियूनियन हो रहा है हमारा, करवा दो करवा दो, ऐसे वाली एक यू नो ये एक लैकिंग वाले कॉन्शियसनेस में आप हो कि आपके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो तो नहीं ही रहेंगे आपके पर्सन आपके साथ। ठीक है, तो आपको ये ग्रैटिट्यूड पे करना है कि हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, थैंक यू। जितने भी दिन आप उनके साथ थे, जितना दिन भी उनका साथ आपको मिला उसके लिए थैंक यू। बस ग्रैटिट्यूड में रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो मुझे मैसेज आज मिला है सुबह, मैं पूजा कर रही थी उस टाइम पे और मुझे एकदम लगा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सो हम इसे देखेंगे दो ग्रुप्स में। आपको अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। अगर आपके पार्टनर का नाम A to M, जो भी आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर है आपको वो चूज़ करना है। अगर आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर N to Z स्टार्ट होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, सो चूज़ कर लें। नाम कैसे चूज़ करना है, एक बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा नाम हम चूज़ करें। एक नाम वो होता है जो ऑफिशियल नेम होता है हमारा, है ना, वो नाम आपको चूज़ करना है। ठीक है, जो उनका ऑफिशियल नेम है वो नाम आपको चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा पाइल। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ। हेलो टू ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर
क्या वापस आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचे हैं, और इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या है ऑब्स्टिकल आप दोनों के रियूनियन में, और आउटकम क्या रिसीव होगा और कब तक रिसीव होगा. ओके डिवाइन, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड डिवाइन. मेरे ग्रुप वन जिन्होंने चूज़ किया है, मेरे व्यूवर्स जिनके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर ए टू एम स्टार्ट होता है, उनके पार्टनर क्या मेरे व्यूवर्स से रीयूनाइट करने के लिए वापस आ रहे हैं. प्लीज गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, माय स्पिरिट गाइड्स, वन मोर टाइम प्लीज. Nine of Swords. Justice. Strength. Empress. Hanged man. Okay. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please, divine. One more time, please. Expect a miracle. Oh. Twin flame is not ready. Kids. Okay. True love. क्योंकि ऑब्स्टिकल में है. ओके लॉयल्टी एंड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. Some more guidance, please. One more time, please. किसी किसी के केस में यहाँ पे मुझे बच्चे इन्वॉल्व लग रहे हैं. ओके फाइटिंग. हैंगडमैन को हम क्लियरिफाई करेंगे. ओके इन अ वॉइस. कुछ लोगों के लिए मुझे लॉयल्टी इशू भी लग रहे हैं. Ordinariness. Letting go. Participation. And completion. Okay. एक मिनट, हम हैंगडमैन को एक बार मैं क्लियरिफाई करूंगी. ओके डिवाइन प्लीज गाइड. मुझे यहाँ लॉयल्टी इशू लग रही है, या तो आपके पार्टनर लॉयल नहीं थे आपके साथ, या फिर कुछ ऐसा लॉयल्टी का कोई इशू है, या फिर आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, ब्लेम किया आपने उनको, ऐसा कुछ हो सकता है. डिवाइन प्लीज गाइड, हैंगडमैन का कार्ड यहाँ क्यों है? Please guide divine, hanged man को clarify करें divine. My dear angels, talk to me please, one more time please.
डेविल, ओके। सो चार चार मेजर अरकाना यहाँ पे है, ओके। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी एनर्जी में, और इनके घर में कुछ फैमिली इश्यूज मुझे दिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एयर साइन बहुत ज़्यादा आज हाइलाइटेड दिख रहा है मुझे, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, लिब्रा लियो टॉरस एंड एक्वेरियस, ओके। ये साइंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड दिख रहे हैं मुझे। मुझे लग रहा है कि इनके घर पे कुछ चल रहा है ऐसा जिसमें ये बहुत उलझे हैं, फंसे हैं। इनके घर पे कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कि यू नो जिनके चलते प्रॉब्लम हो रही है। ये इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकती है इनकी, ठीक है, जिनके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिनमें ये फंसे हुए हैं। मे बी उनकी हेल्थ ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ हैं घर में कुछ ऐसा है। मुझे मिसकैरेज भी दिख रहा है, ठीक है। तो कोई होंगे घर पे जिनका कि यू नो ऐसा कुछ हुआ होगा, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ किसी के साथ हो, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ यू नो कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम और ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते ये इंसान फंसे हैं, ठीक है। कोई इनकी सिचुएशन ऐसी है, चाह के भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनकी और कहीं शादी फिक्स हो रही है, कोई एंगेजमेंट या फिर यू नो कहीं और कहीं फिक्स हो रही है जहाँ ये खुश नहीं है इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्योंकि बहुत फियर है इनमें, एनजाइटी बहुत है, डिप्रेशन में है इंसान, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन, यू नो रात को नींद नहीं आना, ऐसा दिख रहा है। ऐसे एक सिचुएशन में इंसान है। ये ज़रूर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ जो इन्होंने किया है उसमें आपको जस्टिस देना चाहते हैं ये ज़रूर से। और अभी लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि यू नो ये पर्सन जो एकदम तुरंत से इनका एक्शन होगा आपकी तरफ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटके हैं, अपने स्टक हैं, बहुत फंसे हैं कहीं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और ये बहुत हद तक मुझे फैमिली सिचुएशन लग रही है जहाँ इनके फैमिली में कुछ या तो लीगल मैटर कुछ चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये केस में फंसे हैं, कोई केस में फंसे हैं, और पूरा इनका जो फोकस है ना वो उस केस पे चला गया अभी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। या तो इनके ऊपर कोई केस हुआ है, या कोई फैमिली मैटर है, कोई प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या कुछ है जो ये लीगली कहीं फंसे हैं और इनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे, इनके फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। या तो मदर या सिस्टर या फिर यू नो भाभी वाभी रहते हैं ना कोई घर पे लेडीज़, उनकी हेल्थ इश्यूज और वो सब मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये इंसान वहाँ उलझ गए हैं ऐसा दिख रहा है। आपके साथ ज़रूर से कंप्लीशन चाहते हैं ये इंसान, आप अपने को आपके लायक नहीं समझते हैं ये इंसान, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने ऊपर भी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है ना कि अपने ऊपर फोकस करना, अपना केयर करना, एक अपना रूटीन होता है वो फॉलो करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, वो सब भी इनका बिगड़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है मुझे। फाइनेंशियली भी इश्यूज इनको है ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, अनस्टेबल है फाइनेंशियली, जगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, थोड़े से प्रॉब्लम में है ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपके साथ ये इंसान ज़रूर से कंप्लीशन चाहते हैं। अब ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड बताता है मे बी, येस और नो नहीं है, ये मे बी वाला कार्ड है, ठीक है। तो आपके पास आ भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब अभी तुरंत से आपके पास आ भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत परेशान हो तुरंत से आ जाए आपके पास, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है इनके घर पे हो, चाहे जो भी इनके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, उनसे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। करंट सिचुएशन जो भी है, करंट सिचुएशन मुझे जस्टिस की दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई लीगल इश्यूज हैं इनके घर पे या फिर इनके ऊपर, ठीक है, जिससे कि निकलना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब इनकी लाइफ से ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान मुझे बेसिकली अपने लाइफ में एकदम उलझे पड़े दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत उलझ गए अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि इनको इनका कर्मा मिला है, जो ये आपके साथ जो बुरा कर रहे थे या फिर आपको नहीं समझ रहे थे, आपके साथ जो गलत इन्होंने किया है, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा को पे ऑफ कर रहे हैं ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको लग रहा है कि सब खुशी जो इनकी है वो ख़त्म हो गई है, जो भी इनके लाइफ में जो एक पॉजिटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। एक यू नो अपने आप को एक डेड पोजिशन में मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। एक होता ना कि हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत टूट जाती है आदमी की, वैसे एक कंडीशन मुझे दिख रहा है इंसान।
मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं इंसान, और बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इमोशनल दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इंसान, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे बहुत एडिक्टेड भी हैं ये इंसान, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, आपसे बहुत एडिक्टेड हैं, और इनको बहुत गुस्सा आ रहा होगा अभी, बहुत गुस्सा अग्रेशन से डील कर रहे हैं बहुत, क्योंकि इनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। बहुत लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि ऑनलाइन आप लोग मिले हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जो भी चल रहा है इनके लाइफ में ना, ये इनका कार्मिक पैटर्न है, ठीक है। और ये कार्मिक पैटर्न जो है लाइफ लेसन्स, मतलब कुछ इन्होंने गलत किया है अपने लाइफ में, उसको पे ऑफ कर रहे हैं इंसान अभी, ऐसा दिख रहा है मुझे। और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये जो कार्ड है ये हमें मे बी बताता है, ठीक है, कि ये इंसान ऐसा हो कि बहुत परेशान हो जाए अपनी लाइफ से और एकदम सडन आपकी तरफ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये सोचते रह जाए, स्टक रह जाए अपने अपने सिचुएशन में, क्योंकि इनकी जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मुझे ओके कैमरा बंद हो गया था, क्योंकि मैं इतना बिजी हो जाती हूँ, इतना मशगूल हो जाती हूँ रीडिंग में कि मैं देखती नहीं हूँ कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ के सिचुएशन में इतने ज़्यादा उलझे हैं, इतने स्टक हैं कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एक होता है ना टाइम जब ऐसा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है लाइफ में, ना कोई इन्जॉयमेंट, ना कोई खुशी, ना कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी एकदम मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा है इनके आसपास का माहौल, इनके रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है कोई कार्मिक लेसन ये लर्न कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। तो इनको ऐसा भी है कि आपके साथ जो गलत इन्होंने किया है उसलिए ये भोग रहे हैं, इसलिए झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके लकी चार्म होते हो, जब भी आप इनकी लाइफ में होते हो सब कुछ ठीक होता है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाउ एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ये इंसान चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो और सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ अपने ट्रैक पे आ जाए, आपके साथ सब कुछ बेटर हो जाए, ये सिचुएशन जहाँ ये फंसे हुए इंसान वहाँ से ये निकल पाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कोई मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए और ये आ जाए इंसान आपके लिए। इनको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो अभी, ठीक है, आप रेडी नहीं हो क्योंकि आप हाथ छुड़ा के जा रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, और आप दूर जा रहे हो इसलिए इनके लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप साथ नहीं हो, आपका साथ नहीं है, आपकी एनर्जी इनके साथ नहीं है, आपके ब्लेसिंग्स इनके साथ नहीं है, आपके प्रेयर्स इनके साथ नहीं है, इसलिए इंसान ये सब झेल रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है। कोई किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इनके सिचुएशन में, या तो या फिर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि इनके बच्चे हो या फिर आपके बच्चे हो, या फिर बच्चे को लेकर जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि इनर चाइल्ड वुंड हो सकता है इनका, ठीक है, कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ट्रू लव, ये जो है इनको लग रहा है कि जो भी प्यार आप दोनों के बीच था वो अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आपका प्यार सच्चा नहीं, अब आप इनके सोलमेट नहीं हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार नहीं था शायद आपका, या फिर जो भी आप दोनों के बीच था वो प्यार नहीं था, बहुत कुछ अभी ऐसा लग रहा है इनको, इसलिए क्योंकि मेंटली जो है ये इंसान बहुत एग्जॉस्टेड है, ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत थक गए अपनी लाइफ से, टायर्ड हो गए अपने सिचुएशन से, अपने लाइफ के स्ट्रगल से, अपने कार्मिक लोगों से, बहुत टायर्ड दिख रहे हैं, बहुत परेशान, बहुत एंशियस दिख रहे हैं मुझे। लॉयल्टी इश्यूज़ में भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच, में भी कोई चीटिंग इश्यूज था, या तो ये इंसान ने आपको चीट किया था, या फिर आपने थर्ड पर्सन को लेके आया था, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस इंसान का ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपके पर्सन का ही दिख रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी जिसके चलते आप लोग दूर हुए हो, और अब इनको लग रहा है कि आप विश्वास नहीं करोगे इनके ऊपर, ट्रस्ट नहीं करोगे इनके ऊपर, ऐसा इनको लग रहा है। वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, ये ज़रूर चाहते हैं काम करना इस रिश्ते में, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको समझाना, आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं। डीप कंटेम्पलेशन, बहुत सोच विचार, गहरी गहन जिसको कहते हैं ना, उसमें लगे हुए हैं, चिंतन मनन, आप समझ जाइए, ठीक है, बहुत परेशान है, बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। यू आर वर्दी ऑफ लव, जो प्यार के आप लायक थे, जिस चीज़ के आप लायक थे उन्होंने आपको उस टाइम दिया नहीं, और इनको अब लग रहा है ओके दिस कुड बी द वन, आप ही हो, उनको पता है बहुत अच्छे से, पेशेंस है, पेशेंस में रखा है इन्होंने। टाइम फॉर एक्शन, इनको पता है कि इनको एक्शन लेना है, ठीक है, आपकी तरफ, इनको पता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है तभी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि इनको सब ऐसे घेर के रखे हैं प्रॉब्लम इनके, कि आपकी तरफ आ नहीं पा रहे इंसान। तो कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर होंगे आपके रिश्ते में, जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग अगर मन्नतें आपने मांग रखी हैं कहीं, तो उनको जाके प्लीज़ पूरा कीजिए, और सोचिए कि क्या ऑब्स्टिकल और है, ऐसा बहुत सारे ऑब्स्टिकल आप खुद क्रिएट करते हो जिसके चलते आपका रियूनियन नहीं होता है, ठीक है। डिवाइन जानबूझ के आपको दूर रखते हैं ताकि आप वो सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करें।
और भी सोचे कि आपने और ऐसा क्या सोचा है या फिर क्या किया है या फिर ऐसा कुछ और आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए होंगे, वो सब सोचिए और उनको क्लियर कीजिए और इनको हीलिंग सेंड कीजिए। इनको हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। ओके, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, मैंने बोला ना कुछ लाइफ लेसन इनको मिल रहा है, कुछ कर्मा ऐसा था जो कि पे ऑफ कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे, और हीलिंग भी चल रही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है हैंगमैन, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, आपके साथ आने में डर रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है कि अब आप विश्वास नहीं करोगे, अब वो ट्रस्ट आपका नहीं है इनके ऊपर ऐसा लग रहा है, मतलब आना चाहते हैं लेकिन यू नो चीज़ें जैसा होता है ना कि पूरी कायनात जो है वो एकदम दूर करने में लगी है आप दोनों को, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मिराकल हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों साथ हो जाएं, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको इस इंसान को भी हीलिंग सेंड करना चाहिए। प्रेयर जब आप करते हैं भगवान से अपने लिए, तो इनके लिए ज़रूर ब्लेसिंग्स मांगे भगवान से, इनको हील करें भगवान, इनको हील करें जल्दी और इनको ब्लेसिंग्स दें बहुत सारी। ठीक है, इनके लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर मांगे भगवान से, ऐसा मुझे बहुत ज़रूरी दिख रहा है अभी इनके लिए, क्योंकि इनकी जो इनका जो एटमॉस्फेयर मुझे बहुत नेगेटिव दिख रहा है। ओके, फाइटिंग, ये इंसान कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं अपने लाइफ से, अपने लाइफ के स्ट्रगल, अपने सिचुएशन से, यू नो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये इंसान ऐसा नहीं है कि यू नो करना नहीं चाहते हैं आपके लिए फ़ाइट, ये करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए अपने लाइफ के स्ट्रगल्स जो हैं इनके उनसे ज़रूर फ़ाइट कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ बढ़ पाएँ ये इंसान, और पास्ट के कुछ दिनों से ये इंसान फ़ाइट कर रहे हैं, मतलब ऐसे सिचुएशंस इनके लाइफ में कंटिन्यूसली यू नो चलते आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, चीज़ें जो हैं ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, इनर वॉइस, इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया ये उसी का कर्मा ये भोग रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो गलत इन्होंने किया या फिर आज तक जो भी गलत इन्होंने किया है उसका ही कर्मा ये पे ऑफ कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा है। ठीक है, एक यू नो एक शांति, एक सुकून, एक आम जिंदगी ये चाहते हैं जहाँ की बहुत स्ट्रगल ना हो, जहाँ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना हो, बस आराम से ज़िंदगी निकल जाए, और इनको ये भी लग रहा है कि आपके लिए अब ये बहुत वो खास इंसान नहीं रहे जो पहले थे। ठीक है, आपके लिए बहुत आम इंसान हो गए हैं जिसकी चिंता फिक्र आपको नहीं है बिल्कुल भी, और यू नो आपके लिए मैटर नहीं करते इंसान, ऐसे बहुत सारे यू नो इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेटिंग गो जो है वो ऑब्स्टिकल है। ठीक है, कुछ चीज़ों को ये लेट गो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से निकलना चाहते हैं बाहर लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, मैंने कहा ना कि फंसे हैं, स्टक्ड हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, कहीं फंसे हैं, कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपके साथ, ये बढ़ना चाहते हैं, एक कम्प्लीशन जो है इनको यू नो इनको फील नहीं हो रहा है क्योंकि आप नहीं हैं इनके साथ। ठीक है, एक लाइफ जो है तो सही, भले ही जैसे भी है चल रही है जैसे भी है तो सही, लेकिन एक कम्प्लीशन, एक फुलफिलमेंट इनको नहीं फील हो रहा है बिना आपके, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये जो है यू नो इनकम्प्लीट, अधूरे से, खाली, जो होता है ना खालीपन होता है ना अंदर, वैसी एक फीलिंग में इंसान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, गाइडेंस में देख लेती हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, ओके, हम पहले दो मैसेजेस देख लेते हैं कि ये इंसान कहना क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज हैं इनकी, मतलब सोच जो है, पूरा जो एटमॉस्फेयर मुझे इनका नेगेटिव लग रहा है थोड़ा सा, यू नो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। तो आप लोग हीलिंग सेंड कीजिए इनको, प्रेयर कीजिए इनके लिए, भगवान से ब्लेसिंग्स मांगिए, और अगर कहीं मन्नतें आपने मांग रखी हैं तो उनको जाके पूरा कीजिए, और इस तरह के मन्नतें मत मांगा कीजिए। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हो आप कि आप मुझे ये दोगे फिर मैं आपकी पूजा करूँगी या फिर मैं विश्वास करूँगी, ऐसा नहीं होता है भगवान के साथ। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड में रहिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड में रहिए हमेशा, और इनके लिए अच्छा मांगिए, इनको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है अभी, बहुत ज़्यादा आपके ब्लेसिंग्स की, आपके यू नो प्यार की। जाइएगा मत, अभी बात नहीं करेंगे, इंसान मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है इनकी। ठीक है, आई विल हील ऑल योर पेन। देखिए, मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। ठीक है, बहुत तकलीफ़ दी है जिसके चलते इनको तकलीफ़ मिल रही है, इनको बहुत अच्छे से भी समझ में आ रहा है कि कोई कर्मा इन्होंने ऐसा किया है जिसके लिए अभी ये पे ऑफ कर रहे हैं उस कर्मा को। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जब आएंगे तो आपकी जो सारी जो जॉब किया है ना इन्होंने उसकी माफ़ी मांग सकते हैं इंसान। ठीक है, ऐसा अब इतना लेसन्स मिलने के बाद भी अगर इंसान माफ़ी नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत डेंजर है इंसान। ठीक है, तो इतना सब झेल रहे हैं, अगर इसके बाद आके आपसे माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हील हो रहे हैं। तो ये इनका कहना ये है कि ये जब आएंगे तो ये आपकी जो सारी पेन है ना उसको हील करेंगे, मतलब यू नो बात करेंगे आपसे, आपको बोलेंगे कि जो भी किया है इन्होंने, यू नो जो तकलीफ़ आपको दी है उसके लिए
शर्मिंदा है या फिर माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आगे से ऐसा गलती ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ ज़रूर बोलेंगे आपको जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे सुन के। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, आप इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो, इनका क्वेश्चन ये है आपसे। फिर भी मैं कहूँगी कि अभी मत जाइएगा आप लोग, ये जो साइकिल है ना, ये जो चल रहा है ना इनके लाइफ में, इसी से इनको समझ में आ रही है आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप जो दूर हैं, आप जो आपकी एनर्जी इनसे कनेक्टेड नहीं है, ये जो झेल रहे हैं अपने लाइफ में, इसी से इनको लेसन मिल रहा है कि आप इनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपके नहीं रहने से इनका लाइफ कैसे होता है और आपके रहने से इनकी लाइफ कैसे होती है। तो इनको समझने दें ये चीज़, अभी बिल्कुल ना जाए कि नहीं ये तो बड़ा परेशान है, हम जाके इनको हील कर देंगे, बात कर लेंगे। नहीं बात करेंगे, उल्टा आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है, आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि मेंटल कंडीशन अभी बिल्कुल सही नहीं है। और यू नो रोमांस वोमांस इनके अभी यू नो दूर दूर तक अभी नहीं है, ठीक है। माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, जब आपको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, इनका कहना ऐसा है, ठीक है। ओके, एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप नहीं जा रहे हो। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो इनकी सिचुएशन जो है उनको आप समझोगे, इनको ऐसा लग रहा है आपसे एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। आई मिस यू, लास्ट कार्ड, आई मिस यू, ओके, आपको मिस कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, एक गाइडेंस हम ज़रूर देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल भी आप अभी इनको डिस्टर्ब ना करें, इनके लिए प्रेयर करें, इनको हील करें बस, और इनके लिए अभी कुछ इनको छेड़ने ना जाएं, बात करने ना जाएं, क्यों परेशान हो, क्या हुआ है। जब ये इंसान आएंगे, मुझे बहुत श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि ये अपने लाइफ के बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और जो इन्होंने किया है उसके लिए शर्मिंदा भी होंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। फेजेस एंड साइकल्स, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, मैंने बोला ना कुछ फेजेस, कुछ इनके साइकिल्स हैं, कार्मिक साइकिल्स जो कि कंप्लीट हो रहे हैं। इस टाइम तक अगर आप छेड़ोगे फिर से वो जीरो में आ जाएगा। इनको जो भी इनके लाइफ में चल रहा है इनको झेलने दीजिए और समझने दीजिए, अपने लाइफ के लेसन्स इनको लेने दीजिए ताकि आपकी इंपॉर्टेंस इनको पता चल सके, ठीक है। तो कुछ ख़त्म करके इंसान आना चाहते हैं, मुझे भी ऐसा दिख रहा था कि कुछ चीज़ ख़त्म करके आपके पास ये बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकती है, कोई इनका ईगो हो सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं जिसके लिए टाइम ले रहे हैं, ठीक है। जो भी इल्यूजन इनका था ना कि आपके बिना ये रह जाएंगे बहुत आसानी से कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इनको था ना ये सब, वो इनका भ्रम जो है वो टूट रहा है, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे। सो ग्रुप वन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, इनको बहुत सारी हीलिंग्स भेजें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं या नहीं, अगर आ रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या ऑब्स्टिकल है, क्यों लेट हो रहा है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम, हम सब कुछ चेक करेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माई ग्रुप टू, जिनके पार्टनर का फर्स्ट लेटर एन टू जेड है, प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज, Four of Pentacles, Page of Cups, Ten of Wands, Ten of Swords, The Lovers, wow, and oh my God, Ace of Pentacles. So definitely ये आ रहे हैं वापस, ठीक है, definitely आ रहे हैं, रास्ते में हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, पहुँच ही गए हैं, बहुत जल्द आप तक ये इंसान जो हैं वो रीच करेंगे ऐसा दिख रहा है मुझे। हर्ट हैं अभी भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल अगर पूछिए आप, यू नो क्या ऑब्स्टिकल हैं, हर्ट हैं भी और इनको ऐसा लगता है कि आपको भी उन्होंने बहुत हर्ट किया है जिसके चलते यू नो ऑब्स्टिकल लग रहा है उनको।
प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज. Love believes. Soulmate. तो मुझे लग रहा है कि बहुत highly spiritual connection है इस pile में. Twin flame is not ready. ऐसा दिख रहा है मुझे. ठीक है, आप लोग बहुत लोग आप लोग सोलमेट हो सकते हैं. फ्रीडम, बहुत लोग सोलमेट हो सकते हैं. कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत रेयर, लेकिन कुछ हो सकते हैं. ठीक है, न्यू डोर ओपनिंग, यू कैन डू दिस. प्लीज गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. One more time, please. बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं ले सकते हैं. ओके, वन मोर टाइम प्लीज. ओके, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, एग्जॉशन. प्रोजेक्शन, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, तो बहुत ध्यान से थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना. ठीक है, ये भी एक सोलमेट की एनर्जी को बताता है. टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ये कॉन्शियसनेस, लेटिंग गो, स्लोइंग डाउन. स्लो है पर्सन आपके, ये दिक्कत. ओके, तो मुझे यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं. ठीक है, तो ऑल साइंस रीडिंग है ये. जेमिनी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, और टॉरस स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है, सो मैं जो देख रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं. करंट किंग की एनर्जी ऐसी है कि इनको सॉरी बोलना है आपको, इनकी इनको आना है आपके पास, कोई ऑफर देना है, कोई एक प्रपोजल देना है, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप चाह रहे थे इनसे पास्ट में, ये आपको देना चाहते हैं, वो चीज़ आपके पास ये लेके आना चाहते हैं, फॉर श्योर. ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे. ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशूज़ रहा होगा इनका, या फिर बहुत पॉजिटिव रहे होंगे आपके लिए, या फिर यू नो बहुत कहते ना कि कंजूस, क्यों इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ऐसा हो सकता है. ठीक है, इमोशन अपने एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, या फिर फीलिंग्स को अपने शेयर नहीं करते होंगे, यू नो सब दबा दबा के रखना अंदर. ऐसी एक एनर्जी हो सकती थी पास्ट में, जिससे क्या बहुत परेशान हो गए, क्लोज ऑफ, यू नो जब मन करेगा तब बात करना, नहीं मन करेगा नहीं बात करना, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है इंसान की पास्ट की. अभी प्रेजेंट में ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते थे इनसे, ये फिर क्लियरिटी जो चाहते थे आप उनसे, वो ज़रूर आपके पास लेके आना चाह रहे हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे. ठीक है, ये अब इस रिश्ते का भार उठाने के लिए रेडी हैं. ठीक है, आप भार किसी भी तरह का हो सकता है, या फिर फिजिकली, या फिर मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसा भी भार इनके ऊपर जो आप प्रेशर दे रहे थे कि यू नो, या तो आप इमोशनली आप एक्सचेंज करो, अपने फीलिंग्स को शेयर करो, या फिर आप फाइनेंशियल हेल्प करो, या फिर किसी भी तरह का जो आपको चाहिए था इनसे सपोर्ट, वो अब ये करने के लिए तैयार हैं. और फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो हैं अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने के लिए पूरे से रेडी रहेंगे, भले आप इनमें इन्वेस्ट करें चाहे नहीं करें, लेकिन अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये अब चाहते हैं कि अकेले ही सही ये पूरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है इसमें, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे कुछ भी हो. ठीक है, ये अपने अपनी तरफ से ये 100% लगाने के लिए तैयार है. ठीक है, ऐसा तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता जो है एक टाइम के बाद जाके यू नो आप फिर ओवर कर देते हो चीज़ों को, यू नो कि आपको ऐसा करना ही होगा, सुबह गुड मॉर्निंग बोलना ही होगा, इस टाइम बात करना ही होगा, ये सब इनको पता है, ये सारे कंडीशंस, और ये सारे कंडीशंस के साथ अभी रेडी हैं
इन्वेस्ट करने के लिए इस रिश्ते में, लेकिन बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ दिख नहीं रहा मुझे कार्ड में ये बात, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इस तरह से प्रेशराइज ना करें किसी को भी, ठीक है। सामने से अगर कोई इंसान इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है अपनी एनर्जी अपने इमोशंस को, तो इतना ही ले कि वो हमेशा दे पाए, ठीक है। एकदम से आप चूस लोगे उस इंसान को तो फिर वो भागेंगे इंसान वापस, ठीक है ना, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि यू नो किसके साथ ये रेजोनेट करेगी, जिसके साथ रेजोनेट करेगी वो समझ जाए, ठीक है। सो ये इंसान अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इस रिश्ते में। अभी मुझे जो दिख रहा है, ये इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, ठीक है, आपको बहुत घायल किया इन्होंने, और आपने भी किया है इनको। तो जो एक ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है मुझे, वो ये है कि हर्ट है बहुत ज़्यादा अभी भी, यू नो ये मुझे कुछ मैरिड लोगों के लिए भी दिख रहा है कि हर्ट है, लेकिन अब इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो लवर्स की एनर्जी है ओवरऑल एक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि अपने प्यार के लिए अपने जिम्मेदारियों को उठाने के लिए ये इंसान अब तैयार है। तो यस, ये इंसान आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं आपके पास ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके लिए बहुत फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं कहूँगी ऐसा कि लस्ट एंड लव दोनों हैं आपके लिए, यू नो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपसे, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी चाहते हैं आपसे, इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं ऐसा भी है, और बहुत इमोशनल भी हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ, कोई सोलफुल कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ। और ये इंसान जो है, यू नो जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, ये इंसान अपने प्यार के लिए आपके लिए अब इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए, इस रिश्ते का भार उठाने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, सॉरी बोलने के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार मुझे दिख रहे हैं। और ये इंसान आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं। इनको बहुत विश्वास है आप पे कि यू नो आप हमेशा इनके लिए रहोगे, इस प्यार पे इनको बहुत विश्वास है, एक अनब्रेकेबल लव जो नहीं टूटेगा कभी भी, इनको पता है। और ये इंसान इस पे अब रेडी है काम करने के लिए। एक सोलमेट वाली फीलिंग मैंने बोला ना, कि इनको ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन, कुछ ऐसा कनेक्शन आपके साथ है जो कि यू नो सोल से है, शरीर से नहीं है, से केवल सोल से है, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। आप इनके लिए रेडी नहीं हो काम करने के लिए, इनको ऐसा लग रहा है आप तैयार नहीं हो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या फिर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हो, इन्हें ऐसा लग रहा है। तो आप जो है रेडी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। फ्रीडम, इस पेन से, इस तकलीफ़ से जो है इनके अंदर जो गिल्ट है, इससे इनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। जो भी तकलीफ़ इनके अंदर है, जो गिल्ट है, या फिर जो पेन आपने दिया, फिर इन्होंने आपको दिया है, इससे आपको भी ये फ्री करना चाहते हैं और ये खुद भी फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। ये ट्राई कर रहे हैं, यू नो आपकी तरफ आने का अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। तो मे बी आपको कोई ब्लैंक कॉल आ सकता है इनका, कोई मैसेज करके डिलीट कर सकते हैं, कोई हिंट आपको मिल सकता है, ठीक है, इनसे। और आपको यू नो समझ में आएगा कि ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको समझ में आएगा कि आपका रियूनियन होने वाला है बहुत अच्छे से। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, ठीक है, अभी मैं बोलूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, यू कैन डू दिस। इनको पता है कि ये इंसान जो है ये कर सकते हैं और ये करेंगे वेरी सून, ठीक है, मैंने बोला ना सून, बहुत जल्दी ये इंसान आ रहे हैं। कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं इनकी तरफ से, कोई फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, यू नो ऐसा दिख रहा है मुझे। फिर भी मैं कहूँगी कि यू नो ये जो है फुल मून तक का टाइम आप ले लें, आज से लेके फुल मून, ठीक है। आज भी बहुत लोगों को आ सकता है कॉल मैसेजेस, और फुल मून तक ग्रुप टू में जो भी लोग हैं उनका रियूनियन पॉसिबल है। सब का मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, जो समझते हैं कि रियूनियन में क्या चाहिए होता है, कैसे होता है रियूनियन, ब्लॉकेजेस जिनके सारे क्लियर हो गए हैं, उनका मैं श्योरली कह सकती हूँ कि फुल मून तक आपका रियूनियन होगा। ओके, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं इंसान, बहुत ज़्यादा एक यू नो पुल है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इंटेंस इनकी फीलिंग्स है भी आपके लिए। एग्जॉस्ट हो गए हैं एकदम अपनी सिचुएशन से, लाइफ से, आपके बिना ये सेपरेशन में एग्जॉस्ट है इंसान, ठीक है। आपको मिरर कर रहे हैं इंसान, जो थॉट्स आपके रहेंगे वो सेम थॉट्स एज इंसान के रहेंगे, इसलिए अपने थॉट्स को क्लियर रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि इनका जो एक्शन है वो और जल्दी रिसीव कर पाओ आप, ठीक है। कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे ऑब्स्टेकल में मिला है, तो मे बी कुछ गाइडेंस इनको मिल रही है, ठीक है, उसको इग्नोर कर रहे हैं इंसान। ये ऐसा हो सकता है कि कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन यू नो एक पुल जो इनको हो रही है आपकी तरफ से, वो यू नो उस इंटेंसिटी में आके डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो, कुछ चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे पीछे और उसके बाद ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे चाल है इनकी, मुझे लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे करके ये पहुँच रहे हैं, इसलिए आप तक पहुँच रहे हैं, पहुँच
पहुंचने वाले हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पोस्टपोन करते हैं, फिर एक दिन लगता है कि जाऊं अभी कॉल कर लूं, फिर एक दिन खुद को रोकते हैं, फिर अगले दिन लगता है कि तुरंत से चले जाऊं, तुरंत से कॉल कर लूं, फिर लगता है कि नहीं आज देख लेते हैं। तो ऐसे एक एक दिन ये टाल रहे हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, ये इंसान ज़रूर से आपके पास आना चाहते हैं, बहुत जल्द ये आपसे इनकी बात होगी ऐसा दिख रहा है मुझे, ग्रुप टू, ठीक है। स्टिल मैं कहूँगी कि अगर कोई मन्नतें आपने मांग रखी हैं, अगर इस तरह का कुछ है आपका, तो उसको क्लियर कर दें ताकि जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएं। सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, हम देखेंगे क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। आई विल वेट फॉर यू, तो मैंने कहा ना एक दिन वेट करते हैं कि आज रुक जाते हैं, क्या पता आपका मैसेज आ जाए। तो एक दिन आगे बढ़ने की कोशिश और एक दिन वेट, यही चल रहा है इनका, पोस्टपोन। गिव मी अ चांस, इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको एक चांस आप दो ताकि ये आके सब कुछ ठीक कर सके, जो पहले इन्होंने नहीं किया ठीक वो सारा चीज़ जो है वो ठीक कर सके, रिलेशन को बेहतर कर सके, ऐसे आपसे कहना चाहते हैं इंसान। आई जेन्युइनली लव यू, ओके। यस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका फॉर श्योर, ऐसा दिख रहा है मुझे। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज़, तो बहुत सारे सपने इनको आपके आ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है कुछ एक ऐसी चीज़ें जो कि ये बहुत फील कर रहे हैं, इनको बहुत सारे साइंस भी मिल रहे हैं और ये इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इनको छोड़ रहे हो, आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। तो इनको लग रहा है कि अब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, हेजिटेट इसलिए है क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह से इन्होंने घायल किया था पास्ट में, है ना, तो इसलिए इनको हेजिटेशन हो रही है कि कैसे जाएँ और कैसे बोलें, सॉरी भी अगर बोलना तो कैसे बोलें। वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट, तो पहले जो नहीं इन्होंने समझा आपके प्यार को उसके लिए पछता रहे इंसान और अब ज़रूर से आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक गाइडेंस आपके लिए हम ज़रूर देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप हो अभी अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, आप अपने ऊपर केयर कर रहे हो, अपना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, वैसे ही आपको रहना है। जब इस एनर्जी पे आप रहते हो तभी आपका रीयूनियन होता है, जब आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहोगे ना कि नहीं हम साथ में नहीं हैं, हमारा तो सेपरेशन हो गया, हम तो अलग हो गए, हम अब कभी नहीं मिलेंगे, तो इस कॉन्शियसनेस के साथ आप अपने पार्टनर से रियोनाइज नहीं कर सकते हो, समझे मेरी बात को, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात, है ना। इस कॉन्शियसनेस में रहे कि आप दोनों साथ हैं, एनर्जेटिकली आप साथ हैं, जब आप ये एक मैसेज भेजोगे ना यूनिवर्स को तो उस वो चीज़ रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो लैकिंग कॉन्शियसनेस में बिल्कुल ना रहें, सॉरी लैकिंग कॉन्शियसनेस में नहीं रहें, ठीक है। ऐसा फील करें कि वो साथ हैं आपके और ग्रैटिट्यूड फील करें, थैंक यू, जब तक आप साथ थे आपका रिश्ता अच्छा था, आपने बहुत कुछ सीखा इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद, सो एक ग्रैटिट्यूड में रहें हमेशा, ओके। खुद से आया है, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सेप्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मुझे इस पाइल के लिए बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये लोग मूव ऑन कर रहे हैं, जब आप मूव ऑन करोगे अपने पार्टनर से तभी आपके पार्टनर को आपकी वर्थ समझ में आती है, जब तक आप उनके पीछे भागोगे वो आपसे भागेंगे। मुझे इस पाइल के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इस ग्रुप के बहुत लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल उनके पार्टनर के ऊपर उनका फोकस नहीं है, और आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप को डिसाइड करना कि आपको चाहिए क्या। आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे और आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे वो, ठीक है। अगर आपको चाहिए उनको मौका, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं उनको, अदरवाइज़ आप किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। जब ये इंसान आए, क्या चाहिए आपको इस रिश्ते में, वो क्लैरिटी ज़रूर रखें आपके बीच, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती करने से डरें, ठीक है। वो आते साथ ही, माफ़ी मांगते साथ ही आप उसको माफ़ कर देंगे और उनको ये लगेगा कि आप तो हमेशा तैयार रहते हो। तो अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सट्रीम हो गया, तभी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। और ये इंसान जब आपके पास आए तो एक क्लैरिटी ज़रूर रखें कि आपको चाहिए क्या। अपने जो लाइफ का जो एक एक्शन होता है ना, वो आपको लेना होगा, अपने लिए स्टैंड आपको लेना होगा, आपकी खुशियों के लिए। आपको कोई इंसान एक दिन अच्छे से बात करके, एक दिन आपको क्वीन वाली फीलिंग्स करा के
दूसरे दिन आपको इग्नोर नहीं कर सकता, दूसरे दिन वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। अगर ये इंसान ये कर रहे हैं तो आपको वहाँ रोकना होगा उनको, ठीक है, ये चार्ज आपको लेना होगा। सो यस, आपको क्लियरिटी एक रखना होगा कि आपको चाहिए क्या, आपको ये इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो कैसे चाहिए। वैसे ही ये इंसान आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो ग्रुप टू बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, आपके पर्सन रेडी हैं आपके पास आने के लिए, आ रहे हैं आपके पास। प्रेयर करें, ग्रेटिट्यूड में रहें, पॉजिटिव रहें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस जरूर मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।